नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कहीं मंत्री तो कहीं राज्यपाल आजकल विवादों में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ बिहार की सरकार के मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं, तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर के रवि वो भी इन दिनों विवादों में फंसे हुए हैं। आइए जानते हैं कौन है ये दोनों और किन बातों को लेकर विवादों में फंसे चल रहे हैं। जहाँ एक तरफ चंद्रशेखर के बारे में तो पता ही होगा कि रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जिस तरीके का विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर के रवि जो है उन्होंने भी कुछ ऐसा ही विवादित काम किया है, जिसके बाद तमिलनाडु की भी राजनीति कहीं ना कहीं गर्म हो गई है। कौन है ये आर के रवि और क्या कुछ इन्होंने कहा है, हम आपको बताने वाले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग कर रही है। विवाद होने के बाद भी चंद्रशेखर ने अपने बयानों को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि राम और रामचरितमानस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उस श्री राम की पूजा करता हूँ जो माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो माँ अहिल्या के मुक्तिदान है, जो जीवन भर नाविक केवट के श्रेणी में रहते हैं, जिनकी सेना को हाशिए में से आने वाले वन्य प्राणी वर्ग सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं। मैं उस रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो हमें कहता है कि जाति विशेष को छोड़कर बाकी सभी नीच हैं, जो हमें शुद्ध और नारियों को ढोलक के समान पीट पीट कर साधने की शिक्षा देता है, जो हमें गुणविहीन विप्र की पूजा करने और गुणवान दलित शूद्र को नीच समझकर धुतकारने की शिक्षा देता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना था कि विवाद और बढ़ गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि उन्हें ऐसे बयान से बचते हुए अपने कामों पर अधिक फोकस करना चाहिए। आरजेडी नेता चंद्रशेखर 2020 में विधानसभा चुनाव में यादव बहुल इलाके मधेपुरा से विधायक चुने गए हैं। वहां उन्होंने दिग्गज नेता पप्पू यादव को शिकस्त दी थी। पहली बार 2010 में आरजेडी से इसी सीट पर विधायक बने थे, फिर 2015 में भी वो इसी सीट से विधायक बने हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु के राज्यपाल आर के रवि लगातार सुर्खियों में हैं, मगर पिछले हफ्ते से उनकी कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। इस अतिरिक्त चर्चा का कारण है उनका तमिलनाडु के डीएमके सरकार से बढ़ा हुआ टकराव। ताजा विवाद तब हुआ तब बीते हफ्तों जब राज्य के विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार की ओर से तैयार लिखित अभिभाषण पढ़ते हुए उसके एक हिस्से को ही हटा दिया, उसकी जगह अपना जोड़ दिया। हालांकि उन्हें सरकार की ओर से दी गई अभिभाषण पढ़ना था। वहीं सीएमएमके सटिन ने खेद जताते हुए मूल भाषण को ही सदन में पेश करने का प्रस्ताव पास कर लिया। इसके बाद राज्यपाल आर के रवि ने सदन का बहिष्कार कर दिया। इस तरह के अपने आप में ये पहला मौका है। ये विवाद ठीक ऐसे समय आया जब आर के रवि खुद को तमिलनाडु की जगह तमिझागा का राज्यपाल लिखने लगे हैं। इसकी वजह से पहले ही वहां की सरकार से उनका टकराव हो रहा है। डीएमके सरकार इस राज्य का नाम बदलने की साजिश बता रही है। वैसे आर एन रवि जब से वहां के राज्यपाल बने उनका स्टेलिन सरकार से आए दिन विवाद होता रहता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर ब्लास्ट मसले पर भी सरकार के साथ उनका टकराव हुआ है। जैसे ही राज्यपाल बने उन्होंने अधिकारियों से कामकाज पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिस पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की गई थी। कहा गया है कि उनके कई फैसले के बाद बयान के बाद बीजेपी भी असहज स्थिति पैदा कर देता है, जो दक्षिण में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वो पहली बार विवादों में नहीं आए हैं, उन्हें पिछले साल नगा बातचीत से खुद को अलग करना पड़ा था। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जहां आजकल विवादों में फंसे हुए हैं, जहां चारों तरफ से बिहार की राजनीति उनके बयान को लेकर नीतीश कुमार पर, खास करके महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर के रवि भी अपने बयान अपने राज्यपाल के भाषण को बदलकर खुद का भाषण कर देने के बाद वो भी आजकल विवादों में चल रहे हैं। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।